अकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत का अर्थ होता है जिस शब्द के अंत में आ हो, जैसे बालिका, क के बाद आ का उच्चारण होता है इसलिए वो शब्द हुआ आकारांत का, सीता। तो यहाँ भी त के बाद हम आ का उच्चारण कर रहे हैं इसलिए वो भी आकारांत हुआ, माला। तो यहाँ भी ल के बाद हम आ का उच्चारण कर रहे हैं इसलिए वो भी आकारांत हुआ। तो ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में आ हो उन्हें कहते हैं आकारांत। और इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास करने वाले। तो चलिए, एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। एषा मतलब यह, का मतलब कौन, एषा का अर्थ कौन या क्या, तो यहाँ उसका मीनिंग लिखेंगे हम क्या। तो एषा का मतलब यह क्या है, एषा दोला, एषा मतलब यह, दोला मतलब झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला मतलब झूला, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। दोला कुत्र अस्ति, दोला मतलब झूला, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला मतलब झूला, उपवने मतलब गार्डन में, अस्ति मतलब है, झूला गार्डन में है। सा का, सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। सा मतलब वह, का मतलब कौन या क्या, सा का मतलब वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, घटिका मतलब घड़ी, वह घड़ी है, घड़ी मतलब वॉच, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति मतलब, घटिका मतलब घड़ी, किम मतलब क्या, और सूचयति का अर्थ होता है सूचित करती है, दर्शाती है, इंडिकेट करती है इस तरह से। तो घड़ी क्या दर्शाती है, घड़ी क्या सूचित करती है, हम समझने के लिए कह सकते हैं घड़ी क्या बताती है, मतलब क्या इंडिकेट करती है। तो उसका उत्तर है घटिका समयम सूचयति, घटिका मतलब घड़ी, समय मतलब टाइम, सूचयति मतलब सूचित करती है, इंडिकेट करती है। तो घड़ी टाइम इंडिकेट करती है, मतलब घड़ी समय बताती है। एते के, किम एते कोकिले, न एते चटके, चटके किम कुरुतः, एते विहरतः। एते के, एते मतलब ए दो, के मतलब कौन, एते के मतलब ए दो कौन है। किम एते कोकिले, किम मतलब क्या, एते मतलब ए दो, कोकिले मतलब कोयल, तो क्या ये दो कोयल है। न एते चटके, नहीं ये दो चिड़िया है, चटके मतलब चिड़िया। चटके किम कुरुतः, चटके मतलब चिड़िया, दो चिड़िया, किम मतलब क्या, कुरुत मतलब कर रही है, दो चिड़िया क्या कर रही है। एते विहरतः, एते विहरतः, ये तो मतलब ये दो, और विहरत मतलब फुदक रही है, मतलब ये दो फुदक रही है। अरे फुदकना मतलब जैसे हम चलते हैं वैसे उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं फुदक रही है। विहरत का अर्थ मतलब हम कह सकते हैं कि वे दो घूम रहे हैं, मतलब ये वो दो चल रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ते के, ते चालिके स्तः, ते किम कुरुतः, ते वाहनम चालयतः। ते के, ते के मतलब, ते मतलब वेदो, के मतलब कौन, वेदो कौन है। ते चालके स्तः, वेदो ड्राइवर है, मतलब लेडी ड्राइवर है, वेदो लेडी ड्राइवर है। आप यदि देखोगे उस कार में दो ड्राइवर आपको दिख रहे, लेडी ड्राइवर। ते किम कुरुतः, ते मतलब वेदो, किम मतलब क्या, कुरुतः मतलब कर रहे हैं, वेदो क्या कर रही है। ते वाहनम चालयतः, ते मतलब वेदो, वाहन मतलब गाड़ी, कार, चालयतः मतलब चला रही है, वेदो गाड़ियां चला रहे हैं। एताः काः, एताः स्थालिकाः, किम एताः गोलाकाराः, आम, एताः गोलाकाराः एव। ताः मतलब ये सब, काः मतलब क्या, ये सब क्या है। एताः स्थालिकाः, ये सब, एताः मतलब ये सब, स्थालिका मतलब थालियाँ, प्लेट्स,
तो ये सब थालिया है। किम येताहा गोलाकारः किम मतलब क्या, येताहा मतलब ये सब, गोलाकार मतलब गोल, क्या ये गोल है, आम, आम मतलब हा, येताहा गोलाकारः एव, ये सब, येताहा मतलब ये सब, गोलाकार मतलब गोल आकार वाली है, एव मतलब ही है। ताहा कहा, ताहा अजाहा, ताहा किम कुर्वन्ती, ताहा चरंती, ताहा मतलब वे सब, कहा मतलब कौन, वे सब कौन है या वे सब क्या है। ताहा अजाहा, ताहा मतलब वे सब, अजाहा, अजाहा मतलब बकरी, बकरिया, वे सब बकरिया है। ताहा किम कुर्वन्ती, ताहा मतलब वे सब, किम मतलब क्या, कुर्वन्ती मतलब कर रहे हैं, वे सब क्या कर रही है। ताहा चरंती, ताहा मतलब ये सब, चरंती मतलब चर रही है, वे सब चर रही है। इस तरह से आज हमने द्वितीय पाठ का अभ्यास कर लिया है, और आपको यदि इसके क्वेश्चन आंसर समझ लेना है तो हमारे ग्रामर के वीडियो आप देख सकते हो और आपको उससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।